दूसरा ब्राजीलियन सांबा इंडियन सुपर लीग में साइन हुआ है। मिनर्वा एकेडमी फुटबॉल क्लब को अवार्ड दिया जाएगा। बड़ा अपडेट से शुरुआत करती है। इंडियन सुपर लीग क्लब बेंगलुरु एफसी नीली पेड्रोमो की रिप्लेसमेंट ब्राजीलियन फॉरवर्ड सेलिटोन सिल्वा को ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है। सेलिटोन सिल्वा ज़्यादातर थाई लीग के क्लब में खेला है, उनमें से माउथोंग यूनाइटेड, पुलिस टेरो क्लब, फिर चेंगराई यूनाइटेड, उसके बाद सुपानबुरी एफसी में खेला है। और सेलिटोन सिल्वा थाई लीग के ऑल टाइम गोल स्कोरर भी थे। उसकी ड्रिबलिंग और स्पीड किसी भी डिफेंडर को चकना दे सकती है और वो सेंट्रल फॉरवर्ड उसके बाद विंगर की पोजीशन में भी खेल लेती है। थाई लीग क्लब माउथोंग यूनाइटेड एफसी के साथ थाई लीग वन टाइटल जीता, फिर उसी साल थाई लीग कप भी जीता, उसके बाद थाईलैंड चैंपियनशिप कप भी जीता। बहुत ही एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, कोई सवाल नहीं कर सकता उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर। ये एक तरह से फॉर्मर प्लेयर मिको फिडोर की रिप्लेसमेंट कह सकती है। अब सेलिटोन सिल्वा एक साल की डील में तो साइन हुआ है, लेकिन बेंगलुरु एफसी मैनेजमेंट ने और एक साल एक्सटेंड करने की ऑप्शन भी दे रखा है। फिर इंडिया चाइना बॉर्डर टेंशन की बात। इंडियन प्रीमियर लीग IPL T20 रिव्यू करने वाली है स्पॉन्सरशिप डील को लेकर। मीटिंग शायद नेक्स्ट वीक होगा। उस मीटिंग में ये डिसीजन किया जाएगा कि IPL T20 टाइटल स्पॉन्सर, फिर हर क्लब की स्पॉन्सर जो चाइनीज ब्रांड का हो उसी विषय में बात होगा, और शायद सभी चाइनीज ब्रांड को हटा सकती है BCCI, क्योंकि जो हाल ही में इंडिया चाइना बॉर्डर में टेंशन क्रिएट हुआ है तब से चाइनीज प्रोडक्ट बैन कर रहा है इंडिया। चर्चिल ब्रदर प्लेयर्स जोवेल मार्टिन 2 साल की कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर दिया। स्पोर्टिंग क्लब दी गोवा से शुरुआत किया था फुटबॉल टीम करियर में, इतना अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने के कारण आगे नहीं बढ़ पाया, लेकिन शायद अब मिल सकती है गेम टाइम चर्चिल ब्रदर में। मिडफील्डर की पोजिशन में खेलती है। दूसरा बड़ा न्यूज, मिनर्वा एकेडमी फुटबॉल क्लब इस साल रिकमेंड किया गया है पंजाब गवर्नमेंट और फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स से राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार अवार्ड के लिए। मेरे ख्याल से और भी नेशनल अवार्ड मिलना चाहिए था, क्योंकि मिनर्वा एकेडमी ओनर रंजीत बजाज ने इतना हार्ड वर्क किया, स्पेशली यूथ लेवल की प्लेयर को, और इंडिया में अंडर 17 वर्ल्ड कप टीम सबसे ज़्यादा मिनर्वा एकेडमी से ही लाया गया था। इतना बड़ा अचीवमेंट, फिर आई लीग में भी पार्टिसिपेट किया और टाइटल भी जीता। इंडियन फुटबॉल नेशनल टीम में ज़्यादातर मिनर्वा एकेडमी प्लेयर से ही खेल रहा है, और जितना भी एकेडमी है इंडिया में फुटबॉल की, थोड़ा मिनर्वा एकेडमी जैसा हार्डवर्क डिटर्मिनेशन बनना चाहिए, ताकि सिर्फ मिनर्वा से ही नहीं बाकी स्टेट्स की एकेडमी से भी प्लेयर नेशनल टीम में आना चाहिए। उसके बाद ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन इस साल रिकमेंडेड किया है लेजेंडरी IM विजयन को पद्मश्री अवार्ड के लिए। केरला से बिलोंग करती है लेजेंडरी IM विजयन। सुनील छेत्री बाइचुंग भूटिया से भी पहले के जमाना का प्लेयर था। उसने 66 मैच में 29 गोल डाला इंडिया के लिए। प्रोफेशनल क्लब में तो बहुत सारा गोल डाला रिटायरमेंट से पहले। केरला ब्लास्टर FC स्पोर्टिंग डायरेक्टर कार्लोस स्किनिस ने ये कहा कि बहुत ही अच्छा है फुटबॉल इंडिया में, अच्छा ग्रोथ मिल रहा है स्पेशली केरला। केरला ब्लास्टर FC और डेवलपमेंट लाएगा लोकल प्लेयर को मेन टीम या फिर यूथ सेक्टर में अपॉर्चुनिटी देने के लिए। फिलहाल आज के लिए वीडियो इतना तक ही। टाइम निकलकर वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना।